नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के अफजलगढ़ की, जहां ग्राम कादराबाद में शिवसेना की एक जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधान चतर सिंह ने की और बैठक का संचालन डॉक्टर सीपी सिंह पाल ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना प्रदेश महासचिव पंडित रविन्द्र भारद्वाज संघर्षी एवं शिवसेना मंडल प्रमुख एडवोकेट आरके आर्य मौजूद रहे। बैठक में विशिष्ट अतिथि शिवसेना जिला प्रभारी चौधरी वीर सिंह जी, आईटी सेल पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी रितुल शर्मा रहे। बैठक में सर्वप्रथम हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलन किया गया। सभी मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिवसैनिकों ने प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह द्वारा चौधरी संजय राणा को शिवसेना का जिला प्रमुख ग्रामीण बनाए जाने पर प्रदेश प्रमुख जी का धन्यवाद किया और जिला प्रमुख चौधरी संजय राणा को फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बैठक में वक्ताओं ने शिवसेना की विचारधारा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही आगामी नगर पालिका चुनावों में शिवसेना को जिले में मजबूत स्थिति में उतारने पर भी बल दिया। बैठक में नवनियुक्त जिला प्रमुख ग्रामीण चौधरी संजय सिंह राणा ने कहा कि शिवसेना प्रदेश नेतृत्व में जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे निष्ठा से निभाऊंगा। मेरी प्राथमिकता यह है कि सबको उसको अपने क्षेत्र में सब हर घर से एक एक आदमी को शिवसेना में जोड़ना जी। इसके तो साथ साथ जो भी समस्या लोगों की है उसको उठाकर प्रमुखता से उठाकर उसको पूरी कराना, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हमारे यहाँ कोई जो है डॉक्टर वगैरह कोई अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य विभाग टीचर मरा है, स्थिति खराब है। उसके बाद किसानों की बहुत बड़ी समस्या है नहर की सिंचाई, जो हम पहले से उठाते आए हैं, कई बार हमने उठाई है, नहरें बनवाई हैं। इस अवसर पर मुरादाबाद मंडल प्रमुख एडवोकेट आरके आर्य ने कहा कि नगर पालिका चुनावों में इस बार शिवसेना की मुरादाबाद मंडल में बड़ी अहम भूमिका रहेगी। देखिए, माननीय प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह के द्वारा हमारे यहाँ संजय राणा जी को ग्रामीण जिला प्रमुख बनाया गया शिवसेना का। आज उनका स्वागत सम्मान समारोह था जिसमें मैं उपस्थित था। हमारे जो शिवसेना का उद्देश्य है वो ग्रामीण अंचलों में शिवसेना को बढ़ावा देना है और जन समस्याओं के लिए आंदोलन करना है। शिवसेना जिला प्रमुख नगरीय विकास त्यागी ने कहा कि जिला बिजनौर के सभी नगरों में शीघ्र अतिशीघ्र नगर इकाइयों का विस्तार किया जाएगा। शिवसेना जिला प्रभारी चौधरी वीर सिंह ने शिवसेना की मजबूती पर बल दिया और इसी अवसर पर शिवसेना आईटी सेल पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी रितु शर्मा जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिवसेना की बैठक में युवा सेना जिला प्रमुख विजय मोहन गुप्ता, विनोद चौहान, ब्रजमोहन प्रजापति, अमन प्रजापति, कुलदीप सिंह, खूब सिंह सैनी, वदन सिंह, डॉक्टर रणवीर सिंह, संगम, चंदन, संदीप, मनवीर यादव, चंद्रपाल सिंह, राम प्रकाश सिंह, हरिकेश, नीटू, बिपिन शर्मा, आलोक शर्मा, पंकज शर्मा, हरवीर सिंह, सचिन, मनोज कुमार, कुंवरपाल सिंह, रोहित रावत, भूपेंद्र सिंह, सुमित जाटव, अनिल कुमार, राम रतन सिंह, इंद्रजीत सिंह, ऋषिपाल सिंह, गुरुमुख सिंह, जितेंद्र कुमार, अमित कुमार, रजत, शिवम यादव, संदीप, राहुल आदि शिवसैनिक मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहें बंधन समाचार के साथ।